गुड मॉर्निंग गाइस। तो यहाँ मैंने मॉर्निंग से ये ब्लॉग स्टार्ट किया है, तो आपको दिखा रही हूँ मॉर्निंग का व्यू। और काफ़ी अच्छा व्यू दिख रहा था तो मैंने सोचा मैं शूट कर लेती हूँ। तो आप लोग बताइएगा आप लोगों के यहाँ समर सीज़न में कैसे क्या दिन आप लोगों के कट रहे हैं। यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो चलिए आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ मैं, और आप बताना ये मॉर्निंग का व्यू आपको कैसा लगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मि कमेंट। तो आप कैसे हैं? आप सब उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज है 23 मार्च है, आई थिंक, मुझे डेट ठीक से याद नहीं है। तो आज वीडियो शूट करने का बिल्कुल भी मन नहीं है, बिकॉज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है और बहुत ज़्यादा वीकनेस और हाथ पैर में दर्द हो रहा, पता नहीं क्यों हो रहा है, आई थिंक मौसम की वजह से हो रहा है। तो मैंने सोचा मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर लेती हूँ। और आज वेनसडे है तो मार्केट भी जाना है मुझे, तो अगर शेयर कर पाई मार्केट का तो करूँगी, वैसे पक्का नहीं कह सकती कि कर पाऊँगी, कुछ कुछ सामान लेना है। मैं उस दिन आपको बता रही थी कि मुझे कुछ लेना है, जब मैंने बहराज का ब्लॉग शेयर किया था तो मैंने बताया था। तो मुझे लेना थी वो ड्रॉर, पहले मेरे पास दो थे तो मैंने तीन और ले लिए, बिकॉज मुझे सामान रखने में बहुत प्रॉब्लम जा रही थी। तो ये मुझे फुल साइज ड्रॉर चाहिए थे, आपको दिख रहे होंगे। तो जो बीच वाला है ये मैंने अभी लिया है, तो काफ़ी अच्छा है कि अब मेरा सामान इसमें आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारा सामान हो जाता है मेरा। और मुझे, मैं क्या करती थी कि मैं कुछ फाउंडेशन वगैरह ऊपर रखती थी, तो वो सब मैंने हटा दिया है क्योंकि डस्ट जम जाती थी मेकअप के प्रोडक्ट्स में, इस वजह से मुझे वो ड्रॉर की ज़रूरत पड़ी। और मार्केट अभी जो आज जाऊँगी वहाँ से भी थोड़ा छोटा मोटा ऐसे आइटम्स लेना है मुझे, देखते हैं शेयर कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती हूँ। फ़िलहाल तो मुझे तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है और इतनी गर्मी हो रही है। आप लोग बताइएगा आप लोगों के यहाँ कैसा मौसम है? यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और हमारे यहाँ बहुत अच्छे फ्लावर खिले हैं, तो आगे वो भी मैं दिखाऊंगी अभी आपको। जैस्मिन के फ्लावर खिले, बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर खिलने लगे हैं, तो मुझे बहुत प्यारे लगते हैं वो, तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। और आप लोग के यहाँ कौन कौन से फ्लावर्स हैं अगर हैं तो बताइएगा। हमारे यहाँ तो बहुत सारे हैं, जैस्मिन के 5-6 वेराइटी हैं हमारे यहाँ पर, तो ये समर में बहुत अच्छे से खिलते हैं। मोस्ट ऑफ मैंने देखा है कि फ्लावर्स समर में सूख जाते हैं, पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, जैस्मिन के खिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो फिलहाल इस व्लॉग में क्या क्या दिखाती हूँ क्या नहीं दिखाती हूँ अभी मैं कह नहीं सकती, तो जो भी जैसा भी होगा। या आज अभी और अभी बज रहा है 10:45, तो अभी मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है मॉर्निंग से, और अभी मैं जा रही हूँ अपनी कुर्सी को लेने, वो दूसरे रूम में है तो उसको मैं अपने रूम में ले जाऊँगी। और जैसा भी रहेगा आपके साथ शेयर करती जाऊँगी, जो भी शेयर करने का मुझे लगेगा कि मुझे शेयर करना है तो मैं शेयर करती जाऊँगी। धीरे बोल रही हूँ बिकॉज़ बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है, फेस से आपको समझ में आ रहा होगा कि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। और देखते हैं क्या क्या आपके साथ आज शेयर करती। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शुरू से लेके एंड तक वॉच करना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। हमेशा बोलती हूँ कि लाइक कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए थोड़ी देर बाद आपसे हम मिलते हैं, क्या क्या शेयर करते हैं देखते हैं। तो गाइस, मेरे यहाँ फ्लावर्स देख सकते हो कितने सुंदर सुंदर फ्लावर्स खिले हैं, तो मैं वही आपको दिखा रही हूँ, और धूप में और भी सुंदर दिखते हैं। तो मैंने छोटी छोटी सी क्लिप्स आपके लिए निकाली है फ्लावर्स की, और आप लोग बताइएगा फ्लावर्स कैसे लग रहे हैं। ये फ्लावर्स मैं हमेशा आपके साथ शेयर करती हूँ, आप लोग को काफ़ी पसंद भी आए थे, तो बहुत सारे खिलते हैं हमारे यहाँ पे समर में, तो मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं फ्लावर। डार्क कलर्स के फ्लावर्स मुझे बहुत पसंद आते हैं, अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ हमें। तो ये हो गया दिन का टाइम, और अब मैं आपको शाम के टाइम से दिखाऊँगी जब हम लोग अनिका के साथ खेल रहे थे। तो ये देखिए कुटरी भी बैठी है मेरे पास, तो मैं उससे बात कर रही थी कि क्या हो गया है, देख सकते हो बैठी हुई। तो इसी तरह से हम लोग टाइम स्पेंड करते हैं सभी लोग एक साथ बैठ के, और इसे भी पूरा टाइम चाहिए होता है तो ये मेरे पास बैठी रहती है। और यहाँ पे अनिका भी खेल रही है तो मैं वो दिखा रही हूँ आपको, फर्स्ट टाइम इतने अच्छे से अनिका को व्लॉग में दिखा रही हूँ, अदरवाइज मैं दिखाती नहीं हूँ। अब बहुत खेलने लगी है, बातें पूरी समझने लगी है, खूब मस्ती करती है, तो मुझे देख रही है, मैं वीडियो बना रही थी तो उसका भी ध्यान वीडियो की तरफ गया, तो वो देख रही है। आप लोग बताइएगा अनिका कैसी दिख रही है,
अब बहुत चेंज हो गई है, सेम अंबिका जैसी दिखने लगी है जब अंबिका दिखती थी 2 महीने में, और अब 3rd मंथ में लग चुकी है। तो ये खुद छोटी हैं और छोटी बच्ची को खिलाती हैं ऐसे, ये देखो ये ऐसे लेके घूमती है। अनिका किसने लिया है? अम्बी दीदी ने, अम्बी दीदी तो डांस कर रही है। हाँ तो शाम को मैंने ये सूजी के डोसे बनाए थे सबके लिए, मसाला डोसे आप कह लीजिए रावा के, तो बहुत ही अच्छे लगते हैं ये हमारे यहाँ सबको, तो मैं बना लेती हूँ। तो इवनिंग में हल्की फुल्की भूख लग रही थी सभी को, तो मैंने खीर और ये रावा के डोसे बनाए थे मसाले वाले, सब कुछ डाला हुआ है इसमें, मैं काफ़ी टाइम बाद आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो बहुत अच्छे टेस्टी लगते हैं। और आप लोग बनाते हैं कि नहीं ये बताइएगा। तो मैंने बहुत बड़े बड़े साइज़ में भी बनाए थे, स्मॉल साइज़ में भी बनाए थे, तो थोड़ी बहुत क्लिप्स आपके साथ शेयर करी हुई, देखो मैंने बनाया है। तो सभी लोगों को इवनिंग में मैंने इसी का नाश्ता करवाया था और खीर का नाश्ता करवाया था। तो आप लोग बताना आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लग रहा है मेरा, मैं बहुत कम कुकिंग का शेयर करती हूँ। तो बाजू में खीर बन रही है और देख सकते हो, ये देखिए खीर और रावा डोसा कंप्लीट है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, छोटा सा व्लॉग है, तो लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलूंगी मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय गाइस।